अरे साहब कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर आ रहे? रुके। अरे अरे ऐसे एसीपी अर्जुन राज से, इमरजेंसी टास्क फोर्स। माफी चाहूंगा मैडम इस वक्त आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपके पति से मुझे कुछ सवाल करने। ठीक है, तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। ये पूर्वी की रेप की फाइल है, इसे पढ़कर साफ पता चलता है कि आपने उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश ही नहीं की। मैं जानता हूं आपने ऐसा किया है, ये जानना चाहता हूं कि क्यों किया। देखिए, आपको जो भी सवाल पूछना है आप मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर आइए और वहां पर पूछताछ करिए। यू नो आई एम ए लॉयर, आई नो माई लीगल राइट्स। मैं बाकी पुलिस अफसरों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाए। ना तो मुझे कोर्ट की जरूरत है, ना ही पुलिस फोर्स की। यहीं के यहीं सारा फैसला कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल पूर्वी का केस जैसे ही कोर्ट में आया तो उसके परिवार वालों को बाहर से धमकियां मिलने लगी। पहले तो वो लोग जिद पर थे कि उन्हें अपनी बेटी के खिलाफ इंसाफ चाहिए कोर्ट से, लेकिन जैसे जैसे धमकियां बढ़ने लगी तो मैंने ही उन्हें समझाया कि खामखा केस को आगे बढ़ाने से किसी न किसी की जान को खतरा हो सकता है, और खासकर पूर्वी की जान को। अगर तुमने उन्हें समझाया था तो तुम्हें ये बात भी जरूर पता होगी कि उन्हें धमका कौन रहा था। अजय, जिसने पूर्वी के साथ बलात्कार किया था। पूर्वी के परिवार वाले जानते थे कि ऐसे केसेस में लड़की की कितनी बदनामी हो सकती है, इसीलिए वो जल्दी मान गए। उन्हें यह शक था कि अगर ये केस मीडिया के हाथ लग गया तो बात बिगड़ सकती है। उन्हें तो ट्रॉमा काउंसलर की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ही जिद की, और ये सब मैं उनकी भलाई के लिए करता रहा। ये केस और भी उलझ गया। महेश और अजय के कत्ल के बीच में अभी तक कोई भी सॉलिड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। हम ये तो जानते हैं कि अजय ने पूर्वी का बलात्कार किया था, और ये भी कि महेश ऋतु का पीछा कर रहा था। लेकिन क्या इन दोनों के कत्ल के बीच में ऐसा कोई दूसरा एंगल भी है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं? भोला ने बताया था कि अजय कुछ दिनों से काफी गुस्से में था। इनफैक्ट जिस दिन अजय का कत्ल हुआ उस दिन उसे कॉल आया और वो तुरंत गोडाउन से चला गया। छोड़ू, तुमने नंबर्स को अजय के फोन रिकॉर्ड से मैच किया? हाँ सर। सर, अजय को आखिरी कॉल एक पिसो से आया था, और यही वो कॉल है जिसके बाद अजय गोडाउन से चला गया था। पिछले दो हफ्तों से इस नंबर से अजय को काफी कॉल किए गए, हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये कॉल्स उसके किसी कस्टमर के भी तो हो सकते हैं। पर अभी हमारे पास इन कॉल्स के अलावा और कोई लीड नहीं है। ये सब कॉल्स कोई इत्तफाक नहीं हो सकती। छोड़ो, इस पीसीओ के बारे में पता करो। राइट। मुझे यकीन है कि ये कातिल और कत्ल करेगा, लेकिन इसका अगला निशाना कौन हो सकता है? आयशा, मुझे उन सारे रेप विक्टिम्स की एक लिस्ट चाहिए जिन्होंने आत्महत्या की, शायद वहां कोई लिंक मिले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहां था। आई एम रियली सॉरी। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। I'm sorry, मैंने आपको वेट कराया है। वो ट्रैफिक तो आपको पता ही है ना। बस मुझे एक मिनट दीजिए। टिफिन तो टूट गया होगा ना। बस मुझे एक मिनट दीजिए। अपना नाम बताइए। एसीपी अर्जुन रावत। यहाँ कैसे? मैं एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करना चाहता था। केस? मैं समझी नहीं। आप घबराइए नहीं, ये आप ही के एक्सप्रेशन का एक केस है। अगर आपके पास 10 मिनट हो तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आप बैठिए ना, और मैं जिस तरीके से भी मदद कर सकती हूँ मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। कहिए। बात कुछ ऐसी है, आप ही का एक एक्सप्रेशन। क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? मुझे लगा कि आप मेरे पेशेंट हैं और मेरे रियल पेशेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, और मेरे वक्त पर
उनका हक बनता है। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, नॉट एट ऑल। मैं बाहर इंतजार करता हूं। हेलो सर, अजय को जिस पीसीओ कॉल से कॉल आए थे उसका पता चल गया। गुड, इस पीसीओ की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उसके मालिक से भी बात करो। सर, इस पीसीओ का कोई मालिक नहीं है। एक सिक्का डालने के बाद कोई भी इस पीसीओ से बात कर सकता है। ये पीसीओ है कहाँ? सर, लैमडन रोड के पास। ठीक है छोटू जी, बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। छोटू तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। राइट सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आप ही की एक्स पेशेंट पूर्वी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने तो 2 साल पहले ही आत्महत्या कर ली थी। जानता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर पूर्वी के साथ हुआ क्या था और उसका वो केस इतनी जल्दी डिसमिस कैसे हो गया? पूर्वी जब 13 साल की थी तब एक जानवर ने बेरहमी से उसका बलात्कार किया था। उसके शरीर पर घाव साफ दिख रहे थे पर कोई साबित नहीं कर पाया कि वो घाव बलात्कार से हुए थे। पूर्वी का केस बहुत ही उलझता जा रहा था और इसके बीच उसे और उसके परिवार को रोज धमकियां दी जाती थी। केस ड्रॉप करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। उसका वकील क्या कर रहा था? उसका वकील कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। पूर्वी और उसके घरवाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऐसे इंसिडेंट में अगर लड़की के गुनहगार को कोई सजा नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कसूरवार मानने लगती है। पूर्वी उस रात को रोज अपने मन में दोहराती थी। उसके आत्महत्या के कुछ ही दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि इस हादसे में जरूर उसकी कोई गलती होगी। वो तो ये भी मानने लगी थी कि शायद उसी ने उस गुनहगार को उकसाया था। सिर्फ पूर्वी नहीं, मैंने ऐसी हजारों लड़कियां देखी हैं जिनके साथ ये सब होता है। वो रोज अपनी जिंदगी से लड़ती हैं और जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिलती तो वो आत्महत्या कर लेती है। क्या उस इंसिडेंट के बाद आप पूर्वी के परिवार वालों से कभी मिली? हाँ, पूर्वी की माँ बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। पूर्वी और उसकी बहन बहुत करीब थे। अब शायद वो 10 साल की होगी। लगता है पूर्वी की मौत से काफी प्रभावित हुई। मुझे याद है जब मैं उससे मिलने उसके घर गई थी तो वो सारा दिन अपने रूम में बैठी रहती थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, पर वो बेचारी बोली कि अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता। क्या आप ये बात जानती हैं? जिस आदमी ने पूर्वी का बलात्कार किया था, यानी अजय जौहरी, उसका हाल ही में कत्ल हो गया। जी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। क्या आपको लगता है कि पूर्वी के किसी रिश्तेदार ने उसका कत्ल किया या फिर कोई ऐसा इंसान जो पूर्वी को वो इंसाफ दिलाना चाहता था जो उसे उस वक्त नहीं मिला? कह नहीं सकते। इस देश में जितने बलात्कार करने वाले लोग हैं उतने ही उन्हें सजा दिलवाने वाले भी। ताज्जुब की बात तो ये है कि एक बलात्कारी से सब नफरत करते हैं, कानून के सिवाय। बलात्कार करने की कभी कोई सही वजह नहीं होती और फिर भी हमारे देश में ऐसे दरिंदे खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं क्योंकि कानून उनका साथ देता है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कातिल कानून का काम कर रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा। कत्ल और बलात्कार दोनों गैर कानूनी है, दोनों गलत भी हैं। और इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा गुनाह खतरनाक है वो कोई भी नहीं कह सकता। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि पूर्वी की आत्मा को शांति मिले। अमिटी से आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों, मैंने क्या किया? ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, सो प्लीज। सुरक्षा क्या मतलब? बहुत जल्द पता चल जाएगा। गेट हिम। सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तुम तीनों के कारनामे अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों रात बर्बाद कर रहे हो? हमने कुछ भी नहीं किया। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल करो। हाँ, और जेल में सड़ते रहें। इस वक्त जेल ही तुम तीनों के लिए सुरक्षित जगह है, वरना तुम तीनों की जान खतरे में है। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी लड़की का रेप नहीं किया। और वैसे भी जिन लड़कियों ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाए
वो मर चुकी हैं सर, उनका कोई कोर्ट केस भी जारी नहीं है। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना जाने तुम लोग ये पुराना केस दोबारा से ओपन क्यों कर रहे हो। मैं कोई गुनाह कबूल नहीं करूंगा, मुझे मेरा वकील चाहिए। तो तुम तीनों को ना तो कोई धमकी दे रहा है और ना ही कोई ब्लैकमेल कर रहा है। जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो हमें धमकियां कौन देगा। छोड़ो, तुम तीनों को जाने दो, मैंने हमारी जरूरत नहीं। ला। पर सर, इन तीनों की जान को खतरा है। जब इन तीनों ने कुछ गलत किया ही नहीं है छोटे, तो जान को कैसा खतरा है? पर कहां पहुंच रहा है? ठीक है, मैं पहुंच गया हूं। ये वही औरत है सर, जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। सर सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपने मेरी जान बचा ली सर। ले जाओ उसे। काश कि तुमने हमें पहले ही सब कुछ सच बता दिया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने जुर्म तो किया है जिसकी सजा मैंने उसे नहीं देनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा मिल के रहेगी। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें इन दवाई की काफी जरूरत होती हो। ये वही एंग्जाइटी पिल्स है जिसकी एक गोली हमें महेश की लाश के पास मिली। साफ जाहिर होती महेश को मारते वक्त या तो तुम नर्वस थी, या तो तुम बहुत डरी हुई थी, या फिर तुम्हें अपने मन में पता था कि तुम कुछ गलत कर रही हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब पहली बार मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था और तुमसे टकराया और तुम्हारा टिफिन नीचे गिरा, टिफिन गिरने की आवाज कुछ अलग थी। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। मुझे शक तो वहीं हो गया था, क्योंकि अगर टिफिन में खाना हो तो टिफिन की आवाज़ किसी और तरीके से आती, लेकिन इस टिफिन में खाना था ही नहीं,
टिफिन को उठाने के बाद ना तो तुमने उस पे से तेल पहुंचा और ना ही उसमें से तेल का कोई भी स्टेन था। उस टिफिन में वही स्कैल्पल्स थे जिनसे तुमने अजय और महेश की जान ली। जब मैंने तुमसे ये कहा कि मैं पूर्वी के केस के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम बहुत डर गई थी और इसलिए टाइम चुराने के लिए तुमने मुझसे कहा कि यू हैव टू सी योर पेशेंट। और फिर जब 20 मिनट बाद मैं वापस आया तो तुम सुलझ चुकी थी। काउंसलर होने के नाते तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ऐसी सिचुएशन में एक पेशेंट को किस तरह की दवाई खानी चाहिए। यही नहीं, अपने ही क्लिनिक से स्कैल्पल्स चुराना वाजंट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर यू। उसके बाद अजय को काफी दिनों से ब्लैकमेल कॉल आ रही, नॉट सो सरप्राइजिंगली उस नंबर से वो कॉल आ रही वो तुम्हारे ही क्लिनिक के पास के पीसीओ का नंबर। कोर्ट में ये सब बड़ी आसानी से इत्तेफाक साबित हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जानता हूं, और इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं पूर्वी की बहन स्नेहा से मिलने उसके स्कूल गया था। बेटा क्या तुम इन्हें जानती? ये तो चित्रा आंटी है, पूर्वी दीदी की सहेली। कुछ दिनों पहले ये मम्मी से मिलने आई थी। दोनों दीदी को याद करते हुए बहुत रो रही थी। क्या पिछली बार ये महीने की 23 तारीख को आई थी? हाँ, आखिरी बार तभी आई थी। जब तुम पूर्वी के घर गई तो तुमने वहां महेश को रितु का पीछा करते हुए देखा, राइट? बॉडी के घाव और आंखों की सिलाई देख के ऐसा साफ जाहिर होता है कि कातिल मानसिक रूप से बीमार है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कातिल एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। अपने पेशेंट्स को आत्महत्या में खोने वाली एक काउंसलर के लिए इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है? लड़कियों ने आत्महत्या की, उनमें से 3 लड़कियां तुम्हारी पेशेंट्स थी और उनके 3 गुनेगार रोहित, अश्विन, प्रभु। जब इस सब के बारे में पता चला उसके बाद तुम तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मैं फ्रस्ट्रेटेड थी और बहुत गुस्से में भी थी। लड़कियों के मरने के बाद भी उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। उनके गुनेगार आज तक सड़कों पर खुलेआम घूम रहे। तुम जब पहली बार मेरे ऑफिस आए तो तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गई थी, पर ये टैबलेट्स खाने के बाद लगा कि मुझे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। महेश को मारने से पहले भी मैं बहुत नर्वस थी, पर उसे वो गुनाह करने के बाद मैं यूं छोड़ तो नहीं सकती थी ना। मेरा पहला कसूर महेश का था। पूर्वी की मौत के बाद मुझे अजय को सजा दिलवानी थी। पिछले 2 हफ्तों से मैं उसे रोज कॉल करती थी और उसे अकेले मिलने के तरीके ढूंढती थी। मेरे ग्लव्स और मेरा स्कैल्पल हमेशा मेरे साथ रहता था। बस मौका और हिम्मत जुटानी थी। और उस रात पूर्वी की माँ से मिलकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। और उसके बाद जब मैं घर जा रही थी तो मैंने महेश को रितु का पीछा करते हुए देखा। रितु के चेहरे पर जो डर देखा मैंने, उसके बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने महेश को मार डाला। और उसके बाद अजय को, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे अपने आप पर गर्व है। ऐसे दरिंदों के साथ यही होना चाहिए। और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।